पहला खाना बनाना कहाँ से गया? पहला खाना बनाना तो सीखे थे घर ही में, अपना मतलब बाबा माँ के साथ में सीखे होंगे। बाबा माँ बताते होंगे बाबू ऐसे खाना बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे खाना बनाओ, चाहे ऐसे खाना बनाओ, खाना ये बाबा मान लो तुम कहीं अलग चला गया, कहीं फंस गया, ऊपर बना के देगा। मान लो चलो हम लोग गाँव चले गए सब, कोई तुमको छोड़ दिए, अकेले हो, अकेले हो तो कौन किसके दरवाजे में जाकर तुम खाना बनेगा? बनाओ टेढ़ा बनाओ सीधा बनाओ जैसे बनाओ, हम लोग खाएंगे। रोटी का हाल राज क्या है? रोटी जो इतना गोल गोल इतना बड़ा बड़ा रोटी बनाते हो? बोला कि तुम जैसे ही बनाएगा जैसे नून भी रहेगा हम खाली बताएंगे, मैं तुम खाली बनाओ हम लोग देखेंगे कि तुम कैसे बनाता है। रोटी का राज है रोटी। हाँ इतना छोटा सब एक साइज। हाँ इसका तो कुछ राज होगा ना, कैसे बनता है? कोई राज नहीं है, बेलना का स्टाइल मतलब इतना से इतना हम ब्रेक खाने जाना है, अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लोहिया जितना भी बड़ा हो, आटा का लोहिया जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना मोटा हो, मेरा कैमरा चलाएगा भाभी के पता लग सकता लिया ना। कहीं गए क्या? सपाटम 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 सापुर सापुर नो सपाटम तू सपाटे बोलता ना सापुर सापुर खाना खाना के लिए तामिल में बोलता है सापड़े। ओ सापड़े ना ओ ना कैसे बोलता है सापड़े सापड़े तो तुम का तुम तो टपोड़ी भाषा में बोलते हो सपोड़िया। तो अभी देख रहे थे आनंदो जी के साथ बातचीत हो रहा था, ये आज हमारे यहाँ 100 का चिकन आया हुआ है, 100 का ओनली 100 का चिकन 650 ग्राम, तो यहाँ पर 160 तीन वैरायटी का चिकन मिलता है, एक है 220, एक है 180 और एक है 160। आज हम लोग लो क्वालिटी का चिकन लाए हैं 160 रुपये, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि लो क्वालिटी की चिकन है, क्योंकि दोनों ही लेग पीस मतलब पैर है, और उस चिकन को आज अपने तरफ से अपने ढंग से अपने तरीके से बनाए हैं गौतम रावत जी। ये ATN मेडिकेयर के कैश मेजर है चेन्नई में, यानी भेलो CMC। और आपको ये चिकन बनाने का मैं आइटम आपको बता दे रहा हूँ, पहले चिकन को आप ले आए मार्केट से लाने के बाद में आप उसे अच्छी तरह से धोए, धोने के बाद में उसे पानी झड़ने दें, पानी झड़ने के बाद में उसे कढ़ाई में ऑयल डालें अंदाज में कि ऑयल इसमें फ्राई करना है चिकन को। अच्छा वो चिकन फ्राई करने के बाद उसमें आलू डालना है, आलू का आप स्वाद चाहते हैं तो आप आलू भी डाल सकते हैं, यदि आलू का स्वाद नहीं चाहते हैं तो सिर्फ चिकन को फ्राई करें आलू में पूरे। देखिए वो उनका जाने मन की फ़ोन आ गया होगा या कोई उनके दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त भी आ गए होंगे फ़ोन पर, तो अभी देखना होगा चिकन किस तरह से बन रहा है। हम लोग कैमरा थोड़ा देर से शूटिंग किए हैं, चालू किए हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे काम में व्यस्त थे और हमको आने में देरी हो गया, इतने में वो चिकन का कार्यक्रम चालू करते हैं फ़ोन के साथ ही वो अपना खाना के बनाते हैं, जो मेन्यू घटता बढ़ता है उसमें बता रहा हूँ आपको बनाने के तरीका। वो चिकन अच्छा से वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद अच्छा से पानी उसको झड़ने दें, आलू का अंदाज जैसे आपको आलू स्वाद लगता है कि आलू इसमें डालना है तो आप आलू इसमें डालें, आलू फ्राई कर दिए चिकन के संग में, उसके बाद में आप उसमें आधा अदरक या लहसुन का पेस्ट हो तो पेस्ट डालिए आप अंदाज में। अभी आप क्या डाल रहे हैं खजा का इसमें? ये है धनिया। धनिया जो कि चिकन ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद में ऊपर से जो धनिया जो डाला जाता है स्वाद के लिए वो उसको डालते हैं, उसके बाद में फिर उसको थोड़ा हल्का से इसको चलाते हैं जिसको कि मतलब पूरा मिक्स्ड हो जाए। अच्छा ये हम डाल रहे हैं इसमें इस तरीके से, और ये जो है ये डालना हो गया इसमें, और डाल के बाद इसको हल्का से इसको मैं
चला देता हूँ कि जो मिक्स्ड हो जाए अच्छी तरीके से, और मिक्स होने के बाद में मैं इसे ढक देता हूँ कि जो धनिया पत्ता का जो स्वास जो है वो इसमें स्माइल रहे, मतलब खुशबू खुशबू उसका, हाँ हाँ, खुशबू से स्माइल एक ही होता है, okay, okay. तो वो स्माइल इसमें थोड़ा बंद हो जाए कि मतलब उसका स्वाद मतलब मिले आपको, okay, okay. तो आप तो ये वीडियो हुआ है, थोड़ा लेट में हुआ है कि जो हम लोग ऑलरेडी हम लोग चिकन होने के बाद में लोग वीडियो कर रहे हैं, तभी भी आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने से आप थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे संग में हमारे फ्रेंड जो है धर्मेंद्र सिंह जी, वो और हम दो आदमी मिलकर इसको शेयर कर रहे हैं, और खाने के बाद में आपको बताएंगे कैसा लगा, ओके okay.